योगी ने मुजफ्फरनगर जनपद में 5000 युवाओं को दिया रोजगार का उपहार, 30 करोड़ का ऋण वितरण, टैबलेट स्मार्टफोन भी किए वितरित। जानसठ मुजफ्फरनगर 22 अगस्त दैनिक सूरज केसरी समाचार पत्र की विशेष कवरेज के अनुसार आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर जनपद की तहसील जानसठ के क्षेत्र गांव केलापुर जसमोर में भगवत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान 5000 युवाओं को रोजगार का उपहार प्रदान करते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किए एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित पात्रों को 30 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया और 1000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किए गए। यहां पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनिल कुमार और राज्य मंत्री स्वतंत्र भार कपिल देव अग्रवाल और राज्य मंत्री वन पर्यावरण KP मलिक और राज्य मंत्री वैकल्पिक ऊर्जा डॉक्टर सोमेंद्र तोमर एवं क्षेत्रीय सांसद चंदन सिंह चौहान के नेतृत्व में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन लखनऊ से पधारी TV एंकर श्रीमती अनीता सहगल द्वारा ऐतिहासिक सफलता के साथ किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और मंत्री सोमेंद्र तोमर एवं क्षेत्रीय सांसद चंदन चौहान ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योजनाओं का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया एवं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत भी किया। इस अवसर पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमान जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने स्वयं संभाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे जनहितैषी कार्यक्रमों को विस्तार से बताते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम ऐतिहासिक सफलता के साथ सम्पन्न हुआ। सभी क्षेत्रीय नेताओं ने बारी बारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता की और समस्याएं भी बताईं।